हमेशा यह सोचकर वो काम नहीं कर पाए क्योंकि अगर हम यह काम करेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे। अभी आप जियो का सिम चलाते बड़ा स्पीड देता पूरा एकदम पबजी खेलते खेले कि नहीं। तो जब जियो जब आया था 2014 में जियो जब आया था तो मुकेश अंबानी जी उस पे 2007 से काम कर रहे थे 2008 से काम कर रहे थे। तो जिस प्रकार आपको भी हंसा जा रहा है अरे तो उसको भी गया था अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेट फास्ट में देख लेंगे अमेरिका में क्या होगा वो घरे घरे बैठे देख लेंगे लंदन में क्या होगा वो घरे घरे बैठे लोग उस पे हंस रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके कदमों में जुनून होता है और जिसके कदमों में जान होता है और 2014 में ला दिए और दिखा दिए पूरे दुनिया वाली को कि नेट से आप जो है दुनिया का कोई भी चीज को आप देख सकते और देते हैं कि नहीं जी देते हैं कि नहीं। कुर्सी पर कहा दो भाई थे वो ये सोच रहे वो कह रहे थे कि हम लोहा को हवा में उड़ा देंगे वो कह रहे थे कि हम लोहा को हवा में उड़ा देंगे। गांव के तरह आप लोग के तरह ना समझ इंसान सबके बारे में जुड़ा है उसको बता रहे हैं ना समझ इंसान उसमें हंसने लगा कि भाई हम कपड़ा को उड़ा सकते हैं कागज को उड़ा सकते हैं क्या कहते हैं किताब को उड़ा सकते हैं कॉपी को लोहा को हवा में कैसे उड़ा देगा। और सर एक दिन हेलीकॉप्टर बना के दिखा दिया और वो लोहा में उड़ा के दिखा दिया और आज हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा है बताएगी नहीं। दो भाई की कहानी है तो लोग क्या कहते हैं मत तक नहीं चाहिए लोग आपको हमेशा बुरा ही कहेंगे अच्छा कभी नहीं कहेंगे। दूसरे के बारे में आप सोचेंगे दूसरा हमारे बारे में ये कहेंगे वो कहेंगे ये कहेंगे वो करेंगे दूसरा के बारे में आपको जो अच्छा लगता है आपके गार्जियन को जो अच्छा लगता है आपके माँ बाप को जो अच्छा लगता है वो काम आप कीजिए दूसरे के बारे में मत कीजिए। इतना ऐसा सिखाता था कि यहाँ पे कभी तो वीडियो करती तो फोटो खींचता थे वो अरे पागल है सर। आज लड़के सब सर यूट्यूब पे वीडियो बना बना के अच्छा वीडियो बना बना के लाखों रुपया हजार रुपया अपना खर्चा निकालती है। अगर यहाँ पे आप कुछ अच्छा कर रहे हैं कुछ अच्छा दिखा रहे हैं तो वीडियो बना ले तो कौन सा बड़ी बात है ये गलत सोच है। आपकी गलत सोच को निकालना पड़ेगा आपके अंदर जो गलती सोच बैठी हुई है इस सोच से दूर भागना पड़ेगा और थोड़ा सा चेंज होइए पूरा गाँव में रह के गाँव का तरीका के अपना रहे। जाके देखिए सीतामढ़ी पटना से एकदम बैग लटका के मोबाइल लेके जाती है भर के आती है और अपने पूरे परिवार के साथ मोबाइल का यूज करती है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गांव देहात में ये प्रॉब्लम होता है अगर किसी के पास मोबाइल है कोई अगर बैग टांग के पकड़ने आएगी उसने भी उसका शिकायत करेगा मोबाइल अरे ऐसा थोड़ी कि जो मोबाइल आता मोबाइल है आपको भी दिखाएंगे मोबाइल के बारे में शराब के बारे में सारा चीज के बारे में दिखाएंगे मोबाइल है मोबाइल हानिकारक भी है लाभदायक भी है यूज किस प्रकार उसका कर रहे हैं प्रयोग आप किस प्रकार उसका कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से प्रयोग करते पढ़ाई के बारे में वीडियो देखते तो ये सब अच्छा चीज है अच्छा देखना चाहिए बाकी उसी मोबाइल का आप गलत प्रयोग कीजिएगा तो आप पे नकारात्मक पड़ेगी। इसीलिए दूसरा के बारे में मत सोचिए कि दूसरा हमें क्या कहेगा दूसरा क्या दूसरा कुछ नहीं कहेगा गाँव के भी वो अपने भरे रहेगा हम भी ये कराते हैं ना तो बहुत आदमी हमारे बारे में बहुत कुछ कहता ऐसे वैसे तो जायज कराता ये कराता वो करा बाकी एक ही चीज सोचे हम सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग के बारे में सोचने जाएंगे लोग के बारे में ऐसा ये बताइए 60 साल का आपका जिंदगी है उससे ज्यादा आप जीजिएगा 60-70 साल जिएगा ठीक है उसमें आपका जो है 10-12 साल निकल जाता है ऐसा ही सरकारी स्कूल में पढ़ते उठते निकल जाता है 15-20 साल आपको इंटर मैट्रिक करते करते 22 भूल जाता है 22 के बाद आपको सक्सेस होने का आगे बढ़ने का आपको जुनून रहता है आगे बढ़ने का आपका तरीका रहता है। आप जाइए 22 साल से लेकर 30 साल तक आप उससे जाइएगा लग रहा कोई आपके बारे में कुछ बोल दिया उससे जाइएगा झगड़ा करने कल कुछ और बोल देगा उसके बारे में जाइएगा झगड़ा करने परसों कोई और बोल देगा उससे जाइएगा कितना से आप झगड़ा कीजिएगा और वही झगड़ा वगैरह को छोड़ के और अपने काम पे लगे रहेंगे और एक झगड़ा करने वाला खुद आएगा कि भाई हमसे गलती हो गया माफ कर दीजिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे खुद एहसास होगा उसको। ये चीज आपको समझना पड़ेगा दूसरा के बात में मत रहिए दूसरा क्या कहता नहीं करे हम जिंदगी में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे जिंदगी में आए तो कुछ बन के जाएंगे और जिंदगी में आए तो कुछ नाम कमा के जाएंगे ऐसा आपका सोच होना चाहिए। सोच को निगेटिविटी को दूर करिए जितना भी स्टूडेंट है उनके गार्जियन है वो सबसे हम कहना चाहेंगे वो सारे गार्जियन अपने बच्चे को भेजे यहाँ भेजे जहाँ मैंने कहा भेजे शिक्षा उसे अवश्य देना चाहिए शिक्षा उसे अवश्य देना चाहिए क्योंकि जब तक शिक्षित व्यक्ति नहीं होगा जब तक आपका कुछ नहीं। इतने से बहुत सारा स्टूडेंट है कितना आदमी भीमराव अम्बेडकर के बैठ जाते होंगे 5 आदमी 10 आदमी 15 उससे ज्यादा नहीं हमें पता है कितना आदमी इस देश की आजादी के बारे में जानते होंगे 5-10-15 उससे ज्यादा नहीं जानते होंगे कितना आदमी आज के दिन के बारे में जानते होंगे कोई नहीं जानते होंगे क्योंकि आपके अंदर शिक्षा नहीं है सिर्फ आप क्या है सबसे पहले आप इंसान है उसके बाद आप हिंदू मुस्लिम है सबसे पहले आप अपनी इंसानियत को पहचानिए। आज हिंदू मुस्लिम से लड़ाई कर रहा है सिख ईसाई से लड़ाई कर रहा है हिंदू मुसलमान से लड़ाई कर रहा है इसी में पूरा दुनिया बटा हुआ है अरे भाई शिक्षा पे बात
होना चाहिए, रोजगार पे बात होना चाहिए, जिस चीज पे बात होना चाहिए उस पर होता नहीं, आपस में भेदभाव बना के रखे हुए, ये सबको आपको दूर करना पड़ेगा। तो आप अगर दूर नहीं किए तो आप अपने बच्चे से दूर करवाइएगा। उसको पता है, जो बच्चा पढ़ता है उसको पता है कि मुखिया का क्या काम होता है, वार्ड सदर का क्या काम होता है, सरपंच से क्या काम करवाएंगे, हम मुख्यमंत्री के पास कैसे जा सकते हैं, उससे क्या काम कराएंगे, ये सारा चीज, वार्ड जिला परिषद का क्या काम होता है, ये सारा चीज किताब में लिखा हुआ है, पढ़िएगा तब ना पता चलेगा। तो पढ़ाई के समय तो मोबाइल में व्यस्त रहते, पढ़ाई के समय मोबाइल में पूरा टाइम दिए रहते, तो कैसे आप जा पाइएगा, नहीं जा पाइएगा। और एक चीज और हम बोलना चाहेंगे, बोलने को आप हमारे स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, जब हम बोलने लगते हैं ना तो ये 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा नहीं सर, अगर 24 घंटा लगातार बोलने के लिए कहा जाता तो बोली मेरा बंद नहीं होगा और सुनने वाला पकता भी नहीं। इस हिसाब से स्पीच होता है हमारा, इसलिए जो है आप लोग नहीं सर ऐसा ही, इसको सिखाए नहीं गए की बात पे ताली मारेगा, ये जानते हैं कि ऐसे है हमारे टीचर, अच्छे टीचर, अच्छे टीचर। देखो दुनिया में कोई खराब टीचर नहीं, सारा अच्छा टीचर, पढ़ाने का तरीका किसी का अलग होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ और होगा, किसी और टीचर के पढ़ाने का तरीका कुछ और होगा, कोई और टीचर को पढ़ाने का तरीका कुछ और होगा, यानी कि हर एक टीचर को पढ़ाने का तरीका क्या क्या है अलग अलग, बाकी पढ़ाते समय मेहनत बचा होगा ना। देखो टीचर जो होते ना, एक रास्ता है हम आपको बताएंगे कि बाबू सीधा रास्ता में जाइएगा, तो आप इस रास्ता में जाइएगा तो सक्सेस होगा, इस रास्ता में जाइएगा तो कांटा बिछा होगा, आपका मन होगा कि कांटा वाला में जाएगा तो क्या करें, पकड़ के खींच लेंगे, हम कोशिशें ना करेंगे। तो हमारा काम है कोशिश करना, प्रयास करना, आप अपने बच्चे को हमारे पास भेजिए और उसको सिर्फ पढ़ाई में नहीं, उसको डांस में, नाटक में, एक्टिविटी में आगे बढ़ाने में, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, आईपीएस ऑफिसर बनाना, अच्छे राजनीति बनाना, सारा मेगा स्टार कोचिंग सेंटर दिया जाता है। कितना रिपोर्ट